Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, I am Professor Mudassir Jameel. Aaj jo hum topic discuss karne ja rahe hain, that is about the reactions of the aluminium and certain uses of the aluminium. Bilkul simple sa point, short sa, jisko humne discuss karna hai aluminium ke hawale se. Sabse pehli baat dekhein, reactions with the hydrogen. Agar hum aluminium ki reactions dekhein hydrogen ke saath, to aluminium hydride banayega, aur oxygen ke saath reaction dekha jaye to 800 celsius pe aluminium oxide ban jata hai. Or intense light is produced and this light is used in the flash photography. ये point एक आपने याद रखने वाली बात है. No doubt इसमें कोई equations आपने नहीं लिखनी, ना equations आपने कोई बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोई balancing के वाले से आपको problem होगी. यहाँ पर simple ये point है कि aluminium hydrogen से react करता है तो hydride बनाएगा, oxygen से react करता है तो oxide बनाएगा, nitrogen से react करेगा तो nitrides बनाएगा, halogen से react करेगा तो halides बनाएगा. So, ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं, लेकिन उन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उनके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात है. जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन के दौरान इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है जो फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ की जा सकती है. और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो फिर हम कहते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलुमिनियम जो है जब एयर में बर्न होता है तो एलुमिनियम नाइट्राइड बनाता है, और इसीलिए इसी क्वालिटी की वजह से ये रिमूव एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए मोल्टन मेटल्स में से एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है. अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशंस की बात करें एल्युमिनियम के, तो वो क्रोड हो सकते हैं, और इसलिए मैरीन पर्पसेस के लिए इनको यूज नहीं किया जा सकता. एल्युमिनियम का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है विद द हैलोजन्स एल्युमिनियम.